सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो बीसीसी को लेकर कुछ एक खबरें आ रही हैं सामने भी, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे आपने देखा होगा इसके अंदर ट्रेडिंग बंद थी, काफ़ी टाइम हो गया। हर मंडे के दिन ट्रेडिंग होती है, जिस दिन मंडे के दिन आप लोग बाजार बंद होता है किसी कारण, छुट्टी वगैरह होती है मार्केट में, तो इसकी जो ट्रेडिंग वो अगले दिन हो जाती है। तो ये जो शेयर है इस सिचुएशन में क्यों गया, क्योंकि एनएससी बीएससी ने इसके ऊपर एक्शन लिया। ये जो अभी जो भी मास्टर सर्कुलर है उसके पालन नहीं कर रहा था, तो उनके अगर पालन नहीं करेगा तो जाहिर सी बात अभी एक्शन तो लिया जाएगा, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स होल्ड थे भाई। आपने देखा होगा सेप्टेम्बर क्वार्टर के रिजल्ट्स होल्ड है, दिसंबर क्वार्टर के होल्ड हैं, ठीक। उसके बाद आप लोग देखोगे मार्च क्वार्टर के, अभी जून क्वार्टर के, तो इसके काफ़ी रिजल्ट्स होल्ड है। यानी कि अभी जो जून क्वार्टर चल रहे हैं, इससे पहले कंपनी के तीन क्वार्टर के रिजल्ट्स होल्ड है। तो इसी के ऊपर आप लोग कंपनी की तरफ से बड़ी अपडेट आ गई है। वैसे इससे पहले कंपनी ने मार्च सेप्टेम्बर क्वार्टर को लेकर अपडेट दिया था कि सेप्टेम्बर के वो रिजल्ट डिस्क्लोज करने जा रही है, और कल एक और बड़ी खबर आ गई है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या खबर है, और ये जैसे ही हो जाते हैं तो उसके बाद आप लोग देखोगे रेगुलर ट्रेडिंग इसमें जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आपको दिखा देते भी खबरें क्या है। वैसे स्टॉक जो है लो बाउंड वीक लो पर आया हुआ है, ठीक है। पीछे इसने बाउंड वीक लो बनाया था मंडे के दिन 29 तारीख को, उसके बाद से स्टॉक में फिर से ट्रेडिंग बंद है। तो जैसे ही अब ये रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या खबरें हैं। सबसे पहले देखो कि कंपनी ने 30 तारीख को नोटिस पब्लिश किया, और एनएससी बीएससी की साइट पर आप लोग जाकर चेकआउट करोगे तो यहाँ पर पता चलेगा कंपनी की बोर्ड मीटिंग है 12 तारीख को, ठीक। तो 12 तारीख को कंपनी की बोर्ड मीटिंग, और उस बोर्ड मीटिंग में कंपनी क्या डिस्कस करेगी, उस बोर्ड मीटिंग में कंपनी अपने हाफ ईयर या फिर आप लोग जिसे सेप्टेम्बर क्वार्टर बोलोगे उसके जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्क्लोज करेगी। तो आप लोग सेप्टेम्बर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो कंपनी डिस्क्लोज करेगी कब, 12 अगस्त को। तो तैयार है ना, 12 तारीख को जैसे रिजल्ट्स आएंगे सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट उसका मिल जाएगा। तो जैसे ही अपडेट आएगा उसके बाद आप जो है यहाँ पर एंट्री लेनी, एग्जिट करना क्या नहीं वो पता चल जाएगा भाई। इतना मैं बता देता हूँ, जो पीछे के रिजल्ट्स थे जिस प्रकार से कंपनी को प्रॉफिट्स हुए थे 300 करोड़ 500 करोड़ वो नहीं होने वाला यहाँ पर, ठीक है। बहुत कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ जो हमें हाल ही में जो करंट न्यूज़ आती हुई नजर आई है कल ही के दिन शाम को, वो क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी की तरफ से ये नोटिस पब्लिश किया गया अभी कल देर रात को, और एनएससी बीएससी की साइट पर आप लोग इसका चेकआउट कर सकते हो जाकर। कंपनी ने यहाँ पर बता दिया अभी एक और बोर्ड मीटिंग को लेकर जो होनी है इसकी 20 तारीख को। तो 20 तारीख को जो बोर्ड मीटिंग होगी यहाँ पर क्या डिस्कस करेगी कंपनी, यहाँ पर डिस्कस करेगी कंपनी अपने दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स। जी हाँ, कंपनी यहाँ पर अपने दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो डिस्क्लोज करेगी। 12 तारीख को आएंगे इसके आप लोग देखोगे भी हाफ ईयर के या फिर क्वार्टर टू के, और उसके बाद आप लोग देखोगे क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट्स हैं इसके वो आने हैं दिसंबर को, और उसके बाद रह जाते भी क्वार्टर फोर के और क्वार्टर वन के। तो अभी के टाइम चल रहे, लेकिन इससे पहले कंपनी क्वार्टर फोर के रिजल्ट डिस्क्लोज करेगी, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट्स थे रुके हुए थे, इसी के ऊपर जो अभी से जो एनएससी बीएससी है उन्होंने एक्शन लिया था कि मास्टर सर्कुलर का पालन नहीं करोगे, अभी रिजल्ट्स वगैरह डिस्क्लोज नहीं करोगे तो यहाँ पर आपके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो यहाँ पर जेड श्रेणी में डाल दिया गया है, जेड कैटेगरी में। तो इस वजह से स्टॉक का जो अभी बुरा हाल हुआ पड़ा है, और यहाँ पर जिस दिन ट्रेडिंग होती है मंडे के दिन उस दिन स्टॉक में एलसी लगता है। तो अब ये दो खबरों के बाद जो है अभी चांस है इसके कि अब मंडे को जो ट्रेडिंग इसमें होगी वो हमें अपर सर्किट की तरफ जाते हुए नजर आ सकती है, यानी कि स्टॉक में मोमेंटम बन सकती है, जी बन सकती है। और बाकी देखो भाई, जानते हैं रिजल्ट्स कैसे आएंगे कैसे नहीं, 12 तारीख और 20 तारीख को पता चलेगा। इससे पहले जो कोई भी खबरें आएंगी आपके साथ साझा करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जो ना भी बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है, ताकि हम इसके ऊपर वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और जो भाई देखो टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, जहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी के शेयर प्रोवाइड करवाते हैं। अब तक जितने भी शेयर दिए उन सभी स्टॉक्स में ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में प्रॉफिट्स, और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको करना है तो ही ज्वाइन करना। वहां पर कोई इंट्राडे शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड देखो भाई जिस हिसाब से होगा वो हम बताएंगे, ठीक है। ऐसे बात नहीं इंट्राडे नहीं बताते हैं, स्मॉल कैप क्या बोलते हैं स्विंग ट्रेड नहीं बताते हैं, या फिर आप लोग शॉर्ट टर्म नहीं बताते हैं, बताते हैं लेकिन वो सिचुएशंस के हिसाब से। हालांकि हमारा जो भी मोटिव रहता है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का ही रहता है। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, पेड मेंबरशिप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।